Good morning, 6th class. Today we are going to learn lesson number 7, The Honest Woodcutter. Honest means ईमानदार woodcutter, लकड़हारा. तो आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं एक ईमानदार लकड़हारे की. लेकिन उससे पहले करेंगे हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग. Honest, ईमानदार. X, कुल्हाड़ी. Slipped, फिसल गया. Golden, सोने का. Silver, चांदी. Iron, लोहा. Reward, पुरस्कार देना. Now start the lesson. Once there was a woodcutter. एक बार एक लकड़हारा था. Who lived in a village, जो एक गांव में रहता था. He was a very honest man. वो बहुत ईमानदार आदमी था. One day he was cutting wood with his axe. एक दिन वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था. It was a very hot day. और ये एक बहुत गर्म दिन था, यानी कि बहुत गर्मी पड़ रही थी. He felt thirsty and went to the river to drink water. उसको प्यास लगी तो वो नदी पर पानी पीने के लिए गया. His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. उसकी कुल्हाड़ी अचानक से, accidentally means अचानक से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल कर नदी में जाकर गिर गई. The woodcutter started crying. और woodcutter ने रोना शुरू कर दिया कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं. The river goddess heard his cry. और नदी की देवी ने उसका रोना सुना. And felt pity on him. और उनको उस पर, pity means दया आ गई. She came out of the water. और वो पानी से बाहर आ गई, उसके सामने प्रकट हो गई. गॉडेस बोली, Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? वुडकटर बोला, My axe has fallen into the river. मेरी एक्स, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है. What will I do now? अब मैं क्या करूंगा? How will I earn for my family? अब मैं अपने परिवार के लिए कैसे पैसे कमाऊंगा? उनका भरण पोषण कैसे करूंगा? The goddess went into the water and came out with a golden axe. देवी मैया पानी में गईं और पानी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुईं. Goddess ने पूछा, Is this your axe, gentleman? श्रीमान, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? Woodcutter बोला, No, this is a golden axe, but my axe was made of iron. वो लकड़हारा बोला, अरे ये कुल्हाड़ी तो सोने की बनी हुई है, मगर मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी थी मैया, इसको ले जाओ, ये मेरी नहीं है. The river goddess went into the water again. अब देवी माँ ने फिर से पानी में डुबकी लगाई, पानी के अंदर गई, and came out with a silver axe. और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई. गॉडेस ने पूछा, Is this your axe, dear? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुडकटर बोला, No, this is a silver axe. अरे ये तो चांदी की बनी हुई है. But my axe was made of iron. मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी है. तो इस तरह से लकड़हारे ने ये वाली कुल्हाड़ी भी वापस कर दी. The river goddess went into the water again. इस बार देवी माँ फिर से पानी में गईं and came out with an iron axe. और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई. उन्होंने पूछा, Is this yours? क्या ये तुम्हारी है? इस बार वुडकटर बहुत खुश हो गया और बोला, Yes, this is mine. हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है. गॉडेस बोली, You are very honest man. तुम बहुत ईमानदार आदमी हो. I am pleased with you. मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ. Pleased means प्रसन्न हूँ. I will reward you for your honesty. और मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुमको पुरस्कार दूंगी. The river goddess gave all the three axes to the woodcutter. और देवी माँ ने तीनों कुल्हाड़ियाँ वुडकटर को दे दी. तीनों कौन कौन सी? गोल्डन एक्स, सिल्वर एक्स एंड और उसकी खुद की आयरन एक्स. तीनों कुल्हाड़ियाँ देवी माँ ने खुश होकर लकड़हारे को दे दी. लकड़हारा भी बहुत खुश हो गया और उसने देवी माँ को बोला, थैंक यू गॉडेस, यू हैव सेव्ड मी एंड माय फैमिली. आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया, क्योंकि अब वो अपनी कुल्हाड़ी से फिर से लकड़ी काटेगा और अपना रोजी रोटी कमाएगा. सो चिल्ड्रन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी ही सबसे अच्छी
पॉलिसी है, तो हमेशा बी ऑनेस्ट। आप इस लेसन को पढ़ो और समझो और लिखो। थैंक यू फॉर लर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्कूल एक्टिविटीज पूजा मैम।